हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सन इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हूं, और इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 11th की जो मैथमेटिक्स है उसकी स्टार्टिंग करने जा रहा हूं, जिसका पहला टॉपिक है हमारे पास सेट्स। तो उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स आपका सपोर्ट मिलेगा इस नई सीरीज़ के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है सेट्स, जो कि पहला टॉपिक है क्लास 11th का। तो सेट्स को डिफाइन किया गया है, मैंने डेफिनेशन लिख रखा है आपको। ऐसा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आपको दिमाग में आपकी इस तरीके से सेट हो जाए कि आप सेट्स को पहचानने में कभी गलती ना करो, सेट्स के इस तरीके के सवाल बनाने में कभी आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले देखिए सेट क्या है। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ दो चीज़ें मैं आपको पहले बताऊँगा, सेट को समझाने से पहले दो चीज़ें यहाँ पर हैं, एक है ऑब्जेक्ट्स और एक है वेल डिफाइंड। दो वर्ड्स को अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको सेट समझने में कोई परेशानी होगी। देखिए, दो वर्ड्स हैं, एक है ऑब्जेक्ट्स, एक है वेल डिफाइंड। ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको समझने के लिए मैं बता दूँ, यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो सारी चीज़ें, एवरीथिंग जो चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ जो है वो है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या होता है मैं आपको बता दूँ, वो चीज़ जो अगर मैं एक ग्रुपिंग बनाता हूँ, एक कलेक्शन के बारे में है ये, कि वेल डिफाइंड जो है वो हमेशा कोई कलेक्शन होगा जो कि वेल डिफाइंड होगा। तो कलेक्शन वेल डिफाइंड कब होगा मैं बताता हूँ आपको। वेल डिफाइंड कोई कलेक्शन तब होगा जब उस कलेक्शन का कोई एलिमेंट, कोई चीज़, मान लो अगर मैंने नेचुरल नंबर्स का कोई कलेक्शन लिख रखा है यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से मैंने एक कलेक्शन बना रखा है। तो इस कलेक्शन में कोई भी चीज़ जो है, इसमें कोई सा भी अगर आप एलिमेंट ले लो, कोई भी इसका एलिमेंट ले लो, तो इस एलिमेंट के बारे में ये कहा जा सके कि या तो ये इस पर्टिकुलर कलेक्शन में रहेगा या तो इस पर्टिकुलर कलेक्शन में नहीं रहेगा। तो ऐसी चीज़ जो होती हैं वो वेल डिफाइंड होती हैं। अब मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बता सकता हूँ कि ये इसमें रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, ऐसा नहीं है। या तो वो इस कलेक्शन में बिलोंग करेगा या तो नहीं करेगा, यही चीज़ होती है वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि सेट्स आपको समझ में आ जाएगा। सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स का ऐसा कलेक्शन है, एक कलेक्शन है, ये अकेले चीज़, अकेली चीज़ों के लिए नहीं है, एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, एक कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड है वो सेट होता है। तो सेट क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्ट्स का वो कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड है वही सेट होता है। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सेट्स लिखने के तरीके बताऊंगा कि सेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एलिमेंट्स को कैसे बताते हैं, कि किस तरीके से एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स किस तरीके से बताए जाते हैं कि कोई सेट में बिलोंग करता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, सेट्स को लिखने का तरीका है, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, किसी भी कैपिटल लेटर से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं किसी नेचुरल नंबर का सेट लिखूँ, यानी कि कलेक्शन लिखूँ किसी नेचुरल नंबर के सेट का, मान लो अगर मैं 1 2 5 के नेचुरल नंबर का अगर कलेक्शन इस तरीके से लिखता हूँ 1 2 3 4 5, तो इसे सेट बताने के लिए मैं एक कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करूँगा। आप कैपिटल ए, कैपिटल बी, जो चाहो लिख सकते हो, कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं हम लोग सेट को बताने के लिए। तो ये सेट ए है और इक्वल का साइन देंगे, और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये ब्रेसेस जो आप कर्ली ब्रैकेट देख रहे हो या ब्रेसेस जो देख रहे हो, इन ब्रेसेस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं कॉमा से सेपरेट की गई, ये एक एक इंडिविजुअल को हम लोग एलिमेंट कहते हैं या मेंबर कहते हैं। तो ये सेट का मेंबर होता है। और अगर हमें बताना हो कि वन जो है वो ए सेट का मेंबर है, तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं वन, और ये एक सिंबल है जिसे हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, belongs to, okay? तो ये एक सिंबल है belongs to, और यहाँ पर लिखते हैं set। तो इसका मतलब वन जो है वो ए का कोई मेंबर है, यानी वन जो है वो ए से belong करता है, यानी कि ए का कोई एलिमेंट है वन, ठीक है। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें मैं फ्रेंड्स आपको समझाने में सफल रहूँगा। अभी मैं आपको बताऊँगा कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो तरीके का यूज़ करते हैं, पहला होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, तो रिप्रेजेंटेशन में जो पहला है वो होता है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा जो है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि दो तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, रोस्टर फॉर्म उस तरीके को कहते हैं जिसमें हम लोग एलिमेंट्स, जो भी सेट के एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम लोग सारे एलिमेंट्स को ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं और कॉमास से हर एलिमेंट को सेपरेट कर देते हैं,
उन्हें हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स जो हैं किसी सेट के वो लिखे जाते हैं। जैसे मान लो मैं रोस्टर फॉर्म अगर लिख रहा हूँ किसी सेट का, कोई कोई सेट डिफाइन किया गया है कि अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके, नेचुरल नंबर्स का सेट जो है लेस देन फाइव, मान लो फाइव से कम एक नेचुरल नंबर का सेट है आपके पास, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, और ये ब्रेसेस के अंदर कर दोगे, और ये एक कोई सेट किट का एक रिप्रेजेंटेशन लिख दोगे, ये ए सेट है या बी सेट है, इस तरीके से आप लिख दोगे। तो ये सारे एलिमेंट्स को अगर मैंने कॉमा से सेपरेट करके ब्रेसेस के अंदर लिख दिया तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, उस तरीके का फॉर्म जिसमें हम लोग एक रूल डिफाइन कर लेते हैं और वो उस सेट के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू होता है। जैसे मान लो अगर मैं ये सेट है जो कि रोस्टर फॉर्म में है, तो इसके लिए मैं अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स ए जो है वो क्या है, सेट है, और इसमें एक्स जो है वो एक एलिमेंट को मैंने एक्स मान लिया कि एक्स जो है वो इस सेट का कोई एलिमेंट होगा। तो इस तरीके से एक्स सच दैट, इसको पढ़ेंगे हम लोग, सच दैट x इस तरीके से है कि x belongs to natural number, तो x जो है वो natural number से belong करता है, और and x की जो value है वो क्या है, 6 से कम है, okay? तो मैंने इसको define इस तरीके से किया, ये कोई set है इस तरीके से कि उसका कोई element जो है वो natural number है, और natural number भी जो है वो 6 से छोटा है। तो अगर मैं इस rule को देखूं तो इस रूल में वही एलिमेंट्स आएंगे जो कि इसमें रोस्टर फॉर्म में हम लोगों ने लिख रखे थे, 1, 2, 3, 4। अब इस रूल के हिसाब से आप कुछ और नहीं लिख सकते कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x मान लो मैं 7 नहीं लिख सकता क्योंकि हमें x जो है वो 6 से छोटा लेना है, तो हम लोग 5 तक ही लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है इसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो इतना ही हमें जानना था पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 लेकर आऊँगा, जहाँ पर एक डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे एक्सरसाइज पर। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको 11th क्लास की सीरीज़ में मुझे हेल्प करनी है तो मुझे स्ट्रेंथन करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।